भारत और श्रीलंका के बीच कॉल टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत के 600 रनों के जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में 291 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर भारत के पास 309 रनों की बढ़त है। शिखर धवन और अभिनव मुकुंद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी है। दिलरुवान परेरा 92 रन बनाकर नाबाद लौटे, क्योंकि असेला गुनारत ने अंगूठा टूटने की वजह से इस मैच में नहीं खेल सके। भारत ने फॉलो ऑन नहीं दिया और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरेगी। जडेजा ने लिए 3 विकेट। तीसरे दिन के खेल में भारत को पहली सफलता रविंद्र जडेजा ने दिलाई। उन्होंने शतक से ठीक पहले एंजेलो मैथ्यू ज 83 को आउट कर उनकी और दिलरुवान परेरा की साझेदारी को तोड़ा। मैथ्यूज को कोहली ने कैच किया। अगला विकेट भी जडेजा ने लिया। उन्होंने रंगना हिराथ 09 को रहाणे के हाथों कैच कराकर श्रीलंका को 7वां झटका दिया। भारत के लिए 8वां विकेट हार्दिक पांड्या ने लिया। उन्होंने अपने पहले टेस्ट विकेट के रूप में नुवान प्रदीप 10 को बोल्ड किया। आखिरी विकेट के रूप में 9वां विकेट रविंद्र जडेजा ने लिया। उन्होंने लाहिरू कुमारा 02 को लंच के कुछ ही देर बाद बोल्ड कर लंकाई पारी का अंत किया।